अस्सलाम क्लास, उम्मीद है कि आप लोग क्लास में साथ होंगे। आज हम अपने कंप्यूटर गैलेक्सी 27 के साथ हाजिर हुए हैं। हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक स्टार्ट किया था 4.3.2 इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन इंटरनेट, मतलब इंक्रिप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली की जिंदगी में इंटरनेट के मौजूद होते हुए। तो इसके में हमने क्या देखा था, इसमें हमने उसका देखा था इंक्रिप्शन हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके हमने तीन इंपॉर्टेंट को डिस्कस किए थे। आज हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम बचा तो हमने दूसरे साइबर मेथड को भी डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप होती हैं, लेकिन हमें पहले टाइप से साइबर एस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन एवरीडे लाइफ, पेज नंबर 82 है, पेज नंबर आपका 82 है, यूज कर लेंगे सब लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन आपके तीन इंपॉर्टेंस थी, कौन कौन से, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी और इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस, ये आपके पास तीन इंपॉर्टेंट है। हैकर डू नॉट जस्ट, पहले हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर डू नॉट जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन, दे कैन अल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड। हैकर सिर्फ आपके डाटा की इंफॉर्मेशन को चोर नहीं करते, हैकर क्या नहीं करते आपको, हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं करते, बल्कि आपका जो डाटा है उसको तब्दील भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके डाटा को तब्दील भी कर सकते हैं। तब्दील क्यों करते हैं, फ्रॉड के लिए, किसके लिए, फ्रॉड के लिए। अब आपको याद होगा, शायद तुम खबर सुनी हो कि साल डेढ़ साल पहले की बात है, ये हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वेबसाइट थी, जहाँ पर क्या किया, इंडिया के हैकर्स ने उसको हैक तो कर लिया, वहाँ से कोई डाटा नहीं उसने उठाया, चोरी नहीं किया, बट क्या किया, पीपल्स पार्टी की जगह क्या लगा दिया उसने, अपना इंडिया का झंडा अपने वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। तो क्या हुआ, उनका मकसद जस्ट आपकी आपको जो डाटा चोरी करना नहीं होता, वो आपका डाटा चोरी भी कर सकते हैं और जो आपका डाटा है उसको तब्दील भी कर सकते हैं, किसके लिए, फ्रॉड के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द बैंक ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर दे कैन फ्रॉड बाई चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर। अब मिसाल के तौर पर आप क्या कर रहे हो, आप एक लैपटॉप है जो क्या हो चुका है, आपका हैक हो चुका है, हैक किसने किया, किसी भी हैकर ने, जब हैक हो गया और आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो। जब ऑनलाइन जब मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी वक्त आपका जो अकाउंट जहां पर आप भेजना है उसको चेंज कर देगा और कि अपने अकाउंट पर मंगवा लेगा पैसे। ये क्या हो गया, ये भी प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर है। तो इंक्रिप्शन क्या करती है, आपकी हैकर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, इंक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। ये क्या करती है, हमें हमारा जो सेंसिटिव डाटा है उसको भी सेव करती है, उसमें क्या कुछ आता है, इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल, हर के लिए क्या करती है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। दिस हेल्प इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, ये क्या करती है, दिस हेल्प टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विलियंस बाय क्रिमिनल, क्रिमिनल के लिए क्या करती है, उसको कम से कम करती है अपॉर्चुनिटी, जो मतलब क्रिमिनल को जो अपॉर्चुनिटीज हैं हैक करने की उसको क्या कर देगी, ये कम से कम सतह पर ले आती है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस द डिवाइसेस, डाटा किसी प्रोटेक्ट करते हैं, डाटा को अक्रॉस द डिवाइस, मतलब जब उसी डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर हो रहा हो इनके दरमियान भी क्या करती है, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मल्टीपल एंड मोबाइल डिवाइसेस आर अ बिग पार्ट ऑफ अवर लाइफ, मतलब क्या, ये मोबाइल्स क्या हमारे, मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस क्या हमारा बिग पार्ट ऑफ अवर लाइफ है। एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्राम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज रिस्की प्रोपोजिशन, ए अपना जो डाटा है उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफर करना क्या हो गया है, बहुत ही रिस्की हो गया है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइस, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइस। इंक्रिप्शन क्या करती है, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, किसके अलावा, डाटा को स्टोर करने के लिए ऑल द डिवाइस, अक्रॉस द ऑल द डिवाइसेस।
इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर एडिशनल सिक्योरिटी मेजर लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प डेटर अनऑथराइज यूजर इवन मतलब कि एडिशनल सिक्योरिटी मेजर जिसमें एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो उसके वो क्या करते हैं आपको एडवांस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होगा अनऑथराइज यूजर को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होगी ये क्या होगा इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा अक्रॉस द डिवाइसेस क्लियर होगी बात उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन साइपर मेथड हमारा नेटवर्क स्टार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन साइपर मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट आपने मेथड वर्ड कीवर्ड पढ़ा होगा कि इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें क्या मतलब हो इसका ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ये वैल्यू वहाँ से ऐड करना या वहाँ से माइनस करना ये सब्स्टिट्यूशन में आता है सब्स्टिट्यूशन साइपर मेथड आर द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन इन विच कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस बाय सम अदर कैरेक्टर ये डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे पेज 23 के ऊपर है सब्स्टिट्यूशन साइपर मेथड आर द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन इन विच कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस बाय सम अदर कैरेक्टर एक ऐसा साइपर मेथड है जो जिसमें इंक्रिप्शन किस तरह जो इंक्रिप्शन करते हैं वो क्या होगा आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देगा क्या करेगा जो आपको टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देगा मिसाल के तौर पर मैंने लिखा मुल्तान अब इसके अंदर मैंने ए बी सी को क्या किया सब्स्टिट्यूट किया तो वो क्या करेगा ए यहाँ पर स्टार्ट क्या लगा देगा ए बी सी एम यू ए ये आप क्या हो गया ये आपने मैसेज को इंक्रिप्ट कर दिया आप अगले जो इसको हैक करेंगे उसको समझ से बाहर होगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या वर्ड है दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय अ फिक्स प्रीडिफाइंड सिस्टम किस तरह से होती है हमारे पास पहले से एक मौजूद फिक्स प्रीडिफाइंड सिस्टम मौजूद है उसके जरिए हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं कौन कौन सी पहली होती है हमारे पास सीजर साइपर दूसरी होती है हमारे पास विग्नेरिक साइपर आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि हमारा सीजर साइपर इसके फोर तौर नीचे दिया हुआ है पेज 83 पे जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन साइपर मैथड स्टार्ट हो रहा है सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल हु प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अंडरलाइन कर लें सीजर कौन था तो सीजर वाकया क्या था एक रोमन पॉलिटिशियन था और मिलिट्री का जनरल भी था जिसने क्या किया बहुत ही अहम किरदार अदा किया किसमें रोमन एम्पायर के किरदार में सीजर यूज दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेज टू दिस सोल्जर एंड जनरल सीजर क्या करता था यूज दिस मेथड सीजर मेथड यूज करता था किसके लिए टू वो मैसेज को सेंड करने के लिए इसको सोल्जर्स और जनरल को मैसेज सेंड करने के लिए इसको यूज़ किया करता था दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज सीजर साइपर यही वजह थी हम इसे क्या कहते हैं इसको हम सीजर साइपर कहते हैं द रिप्लेसिंग अल्फाबेट इज फिक्स सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप टू लेफ्ट टू राइट और ओरिजिनल अल्फाबेट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इसमें क्या करते हैं हम नंबर को रिप्लेस कर देते हैं कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट से भी या राइट से भी जो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट होगा उसमें क्या करेंगे उस नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे क्लियर हुई बात तो ये था सीजर साइपर क्या होता है इसकी हमने क्या देख लीजिए सीजर साइपर कौन था तो यह फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सीजर वाज अ रोमन एम्पायर मतलब सॉरी सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल ये क्या था रोमन पॉलिटिशियन भी था और मिलिट्री का जनरल भी था इसने क्या किया इसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया रोमन एम्पायर के दौर में सीजर यूज दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेज टू सोल्जर एंड जनरल सीजर क्या करता इस मेथड को यूज़ करता था किसके लिए अपने सोल्जर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट एज सीजर साइपर इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फाबेट क्या करते हैं हम अपने प्लेन टेक्स्ट को किस साइपर के टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बाय रिप्लेसिंग द अल्फाबेट इन द इन टू द फिक्स नंबर क्या फिक्स नंबर जैसे मैंने कहा जब हम थ्री कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट करने हैं तो थ्री कैरेक्टर कितना होगी हम कहेंगे फोर करनी है तो फोर कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा हम टेन कहेंगे तो कितने कैरेक्टर को रहेगा वो टेन कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा उसके बाद हमारे पास है जी जो होगी आपकी ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगी वो लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और वो आपकी राइट साइड से भी हो सकती है अब इसके दो एग्जांपल देखते हैं इंशाल्लाह एग्जांपल जब हम देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा
एग्जाम्पल में है जी, पहले आपके पास उसने कहा अब उस आपके पास क्या चाहिए, ए बी, ए टू जेड हमने ए बी सी की पहले, ए टू जेड क्या लिखा हमने, ए बी सी की। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल बड़ी है कि हमारे पास इनिशियल अल्फाबेट्स है, कि हमारे पास इनिशियल अल्फाबेट्स हैं। अब आपको कहा जाए कि इसमें क्या करनी है, आपने आपने इसके अंदर थ्री कैटेगरी काम करने, इसके अंदर थ्री कैटेगरी करने, आपने थ्री कैटर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या होगा, पहले थ्री को छोड़ दे, ए बी सी, ए बी और सी को छोड़ के क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा क्या, बनेगा डी ई F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। मतलब पूरे हो गए। हमने क्या किए थे, हमने थ्री कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट किया था, क्या किया था हमने, थ्री कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट किया था, ताकि सबसे पहले थ्री कैरेक्टर को A, B और C को हमने जब इसको क्या किया, जब हमने इसको इंक्रिप्ट किया, इंक्रिप्शन क्या करते हैं, पहले वाले थ्री कैरेक्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया ए बी सी को। अब हमने ए बी से स्टार्ट किया और हम कहाँ तक चले गए, जेड तक चले गए। अब जो पहले थ्री कैरेक्टर को क्या करते हैं, हमने लास्ट में ले गए, क्या होगा कैरेक्टर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या हो गए लास्ट के अंदर, हमारे पास थ्री कैरेक्टर हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिए। अब आपके पास क्या इनिशियल है और ये क्या कर दिया, आपने इंक्रिप्ट कर दिया। अब मैं आपको कोई कहता है कि आपने अलेक्सर को क्या करना है, सीरियल साइफर के जरिए से इसको मतलब इनकोड करना है, तो आप कैसे कहेंगे। अब देखिए जी, ई ई के नीचे क्या है, एच, आप ऐसे कह देंगे। उसके बाद एल, एल के नीचे क्या है, ओ। अब हमारे पास आई, आई के नीचे क्या है, L। अब क्या है X, X के नीचे क्या हमारे पास, एक त्रिज्या A है। अब I, I के नीचे अगेन L, एंड R के नीचे क्या है, U। तो ये क्या बन गया, आपने अलेक्सर को इनकोड कर दिया। अब क्या कर दिया, अब किसी को नहीं समझ आ रहा कि आपने ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जिसके पास ये की होगी, जिसके पास क्या होगी, की होगी, वही क्या होगा, इसको इंक्रिप्ट कर सकेगा, उसका कह सकता है इसको इंक्रिप्ट कर सकता है। ये क्या है, बस थ्री कैरेक्टर्स, लाजमी नहीं कि आप थ्री कैरेक्टर करें, पॉसिबल है कि आपकी इंक्रिप्शन है वो ज़्यादा भी हो सकती है। अब जैसे उसने अगले एग्जांपल में कहा, अगले एग्जांपल में वो कहता है कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो करनी है कि फाइव कैरेक्टर करने, आपने फाइव कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखें जो हमारा जो फाइव कैरेक्टर, अब दोबारा से मैं ये लाइन लिख ली है, दोबारा से हम रिपीट करेंगे इंक्रिप्शन को। इंक्रिप्शन में क्या होगा, अब हमने क्या करना है, ये थ्री कैरेक्टर था, अब हमने करना है फाइव कैरेक्टर का। तो क्या करेंगे आप, पहले फाइव को छोड़ के एक दो तीन चार पाँच, पहले फाइव को छोड़ के आप स्टार्ट हो जाएंगे आगे से, ये तो छोड़कर आगे एफ जी एच आई जे के एल एम एन O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z। आपने क्या किया, अब पहले फाइव कैरेक्टर को छोड़ दिया, अब जो पहले फाइव थे ए से लेकर ई तक, वो क्या करेंगे, अब जेड के पास स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा हमारा A, B, C, D, and E।
ये क्या हो गई हमारे पास फाइव फ्रेटर सब्सिट्यूट, कितने सब्सिट्यूट कम कर दी, इसके अंदर फाइव फ्रेटर को सब्सिट्यूट कर दिया। अब हम दोबारा से करते हैं, अब पहले से करके क्या बनेगा, अब अगर दोबारा से मैसर को क्या करें इंकोड करें तो किस तरह करेंगे, आप देखेंगे ई। अब ये सभी लाइन मौजूद नहीं है, इसको हम फिलहाल भूल जाए, इसको मरेजी कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है फाइव फ्रेटर सब्सिट्यूट करना है हमने। अब ई कहाँ पर है, अब ई में आप देखेंगे ई के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास जे, तो आप टेलिंग जे। अब एल कहाँ पर है, एल के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास क्यू, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू। अब इस तरह आई कहाँ पर है हमारे पास, आई के नीचे क्या आ रहा है आपके पास एन, तो क्या लिखेंगे आप एन लिखेंगे। अब एक्स के नीचे क्या आ रहा है, एक्स के क्या आ रहा है आपके पास सी, तो क्या लिखेंगे आप सी लिखेंगे। अब इस तरह हमारा अगेन आई है, जिसके पास ये की होगी। अब जब आप रीड करेगा वो क्या करेगा, पहले इसको पहले ए बी सी लिखेगा, उसके बाद के अंदर फाइव को सब्सिट्यूट करेगा, उसके बाद क्या निकालेगा उससे ओरिजिनल मैसेज को निकाल सकता है, अदरवाइज मैसेज कोई भी रीड आउट नहीं कर सकता। तो आपको जो छोटी सी डायरी में दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने मुल्तान को फोर कैरेक्टर सब्सिट्यूशन के साथ, तो आपने क्या करना है, फोर कैरेक्टर क्या हुआ, आप ए बी सी डी को पहले रिमूव कर देंगे, ई से स्टार्ट करेंगे अभी आपके अगर चले जाएंगे, और उसको क्या करना है मैसेज को आपने इनकोड करना है। ये आपकी डायरेक्टिव यही है, आपने क्या करना है मुल्तान को इनकोड करने के लिए आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।